इसका हमने पे किया है 43 हांगकांग डॉलर। और ट्राम का जो कॉस्ट है वो पड़ता है अराउंड, एक चीज़ जो हमने पूरे हांगकांग में नोटिस करी है वो ये है कि यहाँ पे पीपल लिटरली स्पीक रियली गुड इंग्लिश। तो हमारा जो टोटल बिल आया इस रेस्टोरेंट में, सो वी पेड अराउंड, नमस्ते जी, हेलो जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में शुरुआत की जाए दिन की। सो हम लोग हैं हांगकांग में, जैसा आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा, एंड इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock। हम अभी बैठे हैं एक स्टारबक्स में क्योंकि इस वीडियो अपलोड करनी है। आज हम लोग शूट करने वाले हैं एक नया वीडियो जिसका थीम मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसको देख के आपको पता चल जाएगा विच इज़ हाउ एक्सपेंसिव इज हांगकांग। एवरीबॉडी नोज हांगकांग इज़ सुपर डुपर एक्सपेंसिव, बट कितना है वो एग्जैक्टली हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। सो दिस वीडियो वी जस्ट अबाउट हाउ एक्सपेंसिव इज़ हांगकांग। बिलीव इट और नॉट, हमने पे किया एग्जैक्टली वट आई यूज़ टू पे इन इंडिया एंड एग्जैक्टली आई यूज़ टू पे इन थाईलैंड। हमने पे किया है $100 एंड हमने 3 आइटम ऑर्डर करे हैं विच विल बी गुड इनफ फॉर अस टू यू नो फिल अस एटलीस्ट टिल नून। तो एक है चिकन पाई, एक है चिकन सैंडविच एंड एक है ग्रैंडे कॉफ़ी। वी आर राइट आउटसाइड आवर स्टे, तो मैंने सोचा आपको ज़रा कॉस्ट की वीडियो में अपने स्टे के बारे में बता दें कि हाउ एक्सपेंसिव वॉज इट फॉर अस। सो वी पेड अराउंड 3,800 रुपीज़ पर नाइट फॉर द एयरबीएनबी दैट वी स्टेड इन। इट वॉज एन अटैच्ड वॉशरूम और बहुत बेसिक सा रूम था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। द प्रॉब्लम इज़ कि ये भी यहाँ पे एक लग्जरी है, रीज़न बींग हांगकॉन्ग इज़ वे टू कंजस्टेड, बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। इस चक्कर में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो इवन इफ़ यू स्टे एट रमाडा और वेस्टर्न और एनी गुड hotels, you would still end up paying more than 15-20,000 and get a room like what we stayed very in. Basic. बहुत basic होता है, मतलब आप एकदम जब room में घुसोगे आप shocked हो जाओगे कि how do people even live. तो ये हमारा Airbnb still, हम इसको बहुत ज़्यादा value for money मानते हैं because it is right in the heart of Causeway Bay. हम लोग अभी Airbnb से बाहर निकले हैं और आप हमारे पीछे का view देखो, मतलब it is beautiful, चारों तरफ malls हैं, we are right in the heart of Causeway Bay. Which is why I think for the price you paid, 100% worth it. पहले मैं आपको बड़ा ही फन फैक्ट बताता हूँ कि हम जहाँ पे हैं अभी, ये एक आइलैंड है, आप देख के बता सकते हो कि हम अभी आइलैंड के ऊपर है, मतलब लुक एट द व्यू, इतनी हाई राइजेस बने हुए हैं एक आइलैंड के ऊपर, इमेजिन। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप कोई नहीं बोलेगा कि यू आर एट एन आइलैंड। अब चलते हैं ज़रा नाइकी यूनिक्लो कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देन विल गो फिगर आउट द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स की कितना है, 7-Eleven में कितना है, कॉफ़ी के प्राइसेस क्या हैं, एक ओवरऑल व्यू आपके साथ शेयर करते हैं एंड देन विल हेड आउट टू आवर प्लान्ड आइटनरी फॉर द डे जो हमने सोचा था जो हम करेंगे। सो हमारे पास, हमने सोचा ही फटाफट एक क्विक वीडियो बनाएं और आपको एक ओवरव्यू दें अबाउट हांगकॉन्ग सिटी। लेट्स फिगर आउट व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। लेट्स सी शूज़ के क्या प्राइस है, आर जॉर्डन्स फेयरली प्राइस्ड एवरीवेयर या फिर यहाँ पे वो भी महंगा है? ये देखिए basics, this is nice, $549 which is 5,490 rupees, close to that. How much for the cap, pata to chale? This one, yes, 169 1690, which is I think almost same, matlab 1000 tak ki hoti hai I think mostly. Chalo ji, sneakers hai yaar, sneakers dekhe hum. So this jacket is $900, तो आप लगा लो भाई, काफ़ी सही है यार ये, टू कॉफी। आई डोंट थिंक दिस गाय नीड्स अनदर जॉर्डन, दिस इज टी शर्ट, दिस इज बैग एंड इफ आई एड दिस इट वुड बी टू मच एंड दिस इज 10,000 rupees, 4,000 बात के आसपास, 3,500 बात, 3,000 थाई बात, बट 9,000 रुपीज। मैं स्नीकर्स की तरफ जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल चलिए, इसको कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लाइक गिव मी द स्नीकर्स। दिस इज 1299, अगर मैं बेसिक ही उठा के देखूं 1000। आई लाइक दीस, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। दिस इज आल्सो 850, which is same. But अगर आपको शॉपिंग करनी है स्नीकर्स की और अगर आप थाईलैंड जाते हो तो सियाम प्रीमियम आउटलेट जाओ, बहुत ही सही डील्स मिलेंगे और हमारी वीडियो भी बना रखी है हमने, वो भी जाके चेकआउट करना। Quick plug-in.
स्नीकर्स आई थिंक ओवरऑल सेम ही प्राइसेस लग रहे हैं. आई एम नॉट श्योर यहाँ पे वैट रिफंड है या नहीं है बिकॉज कहीं लिखा पे नहीं है. नहीं, टैक्स रिफंड आपको काफ़ी जगह नहीं मिलता है. यू हैव टू आस्क फॉर इट. और वो कभी कभी ऐसे लगा देते हैं स्टिकर की दे डोंट गिव एनी टैक्स रिफंड. यहाँ पे जो टैक्स आई थिंक कुछ अराउंड 10% के आसपास है जहाँ तक मुझे पता है. बाकी करेक्ट मी अगर किसी को पता है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. यूनिक लेवल में मेरे को लग रहा है कि सेम ही प्राइजेज हैं क्योंकि ये बैग भी वहाँ पे 990 के आसपास ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. This is 599. Approximately, I think same price है. Just, same है. Just 10-20% could be more, but I think still same. So ज़रूरी नहीं है कि सारे वगैरह सब कुछ ही expensive हो. तो कुछ कुछ जैसे major जो brands होते हैं वो same cost पे ही चलते हैं जो उनका overall cost है हर जगह. Strangely मुझे H&M ज़्यादा जगह नहीं देखा. I saw one store maybe, but और नहीं देखे ज़्यादा. ये जो T-shirts हैं ये I think expensive है यहाँ पे. As compared to India, या फिर आप अगर मैं थाईलैंड की भी बात करूँ तो उससे भी एक्सपेंसिव है. तो बेसिकली हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि शॉपिंग, फूड एंड ट्रैवल ये तीन मेन चीज़ जो है वो कितना ज़्यादा है रेट वाइज हांगकॉन्ग में और आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी करेंसी में. द वे कॉटन ऑन इज़ वेरी चीप सो यू कैन टेक एन एस्टिमेट कि अगर कॉटन ऑन इतना है तो बाकी ब्रांड्स कितने होंगे. ये ब्रांड ना इंडिया में नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, बट थाईलैंड में ये काफ़ी चीप है. बाकी कंट्रीज़ का तो मैं कह नहीं सकती अभी, बट थाईलैंड में ये एटलीस्ट बहुत चीप है. दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस और मुझे पता चला है कि दिस इज़ रिलेटेड टू हॉगवर्ड्स. आई वॉन्ट टू सी व्हाट इट रीड्स. यप, इट रीड्स हॉगवर्ड्स. This is 119 Hong Kong dollars. तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कितना होगा? 1190 रुपये इंडिया के हिसाब से. This is 200 Hong Kong dollars. Not bad यार. है ना? 2000 रुपये. It is not that great to be. Yeah, it's very basic. तभी तो पता मुझे थाईलैंड में सही लगता है. Because then you get this in maybe 400-500 baht. तो जी जिस एरिया में अभी आए हैं इस मॉल में, दिस वॉज राइट आउटसाइड द यूनिक्लो स्टोर इन कॉज़वे बे. इस एरिया का नाम है टाइम स्क्वायर और बाहर भी इसके बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था दिस इज कॉल्ड टाइम स्क्वायर. बड़ा ही लुक्स लाइक टाइम स्क्वायर आल्सो. दिस वॉज एक्चुअली वेरी ह्यूज. चारों तरफ बहुत सही डेकोरेशन हो रखी है. एंड दिस भाई ये मॉल देखो आप मेरे पीछे बहुत ही अमेजिंग एक नेक्स्ट लेवल मॉल बना रखा है इन्होंने. दिस इज ऑल लग्जरी स्टफ. आई थिंक ये चाइनीज़ न्यू ईयर के डेकोरेशन का ही पार्ट है. तो यहाँ पे ना वो जैसे हमारे यहाँ एनवेलप्स होते हैं ना, यहाँ पे रेड एनवेलप भी लटके हुए थे. तो जी ये देखो हांगकॉन्ग की आइकॉनिक टैक्सीज. ये एक सिंबल है हांगकॉन्ग का और ये बहुत पुराने टैक्सीज हैं जो अभी भी चल रही हैं यहाँ पे. आ जाओ मानो भाग के. अब देखो हर तरफ ये वाली टैक्सीज नज़र आएंगी. ये आप इनको हाथ देके भी रोक सकते हो और यहाँ पे HK टैक्सी ऐप है उसके थ्रू भी इनको बुक कर सकते हो. दिस एरिया इज़ कॉल्ड रसल स्ट्रीट. आप मेरे राइट में देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है और यहाँ पे एक्चुअली सारे ये छोटे छोटे शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं. अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग करनी है तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे और ये हर वक्त बिजी रहता है, हर वक्त ऑक्यूपाइड रहता है एरिया. नाउ वी आर थिंकिंग टू टेक अ ट्राम राइड की जाए एंड थोड़ा हांगकॉन्ग सिटी के नज़ारों के मज़े लिए जाएँ. तो जी दिस इज़ गोइंग टू बी योर स्टेपल स्टोर अगर आप बजट में हो हांगकॉन्ग में, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे सब कुछ. एंड आई थिंक मानो हम यहीं पे आए थे जब हम फर्स्ट नाइट आए थे ना. फर्स्ट नाइट हाँ इधर ही आए थे. यस, वो लेडी याद आ गई जो काउंटर पे खड़ी है ना. यार आई नीड टू टेक सम चॉकलेट्स फॉर माय कलीग्स आल्सो. तो 7-Eleven से आपके कलीग से वीडियो देखेंगे बोलेंगे आप ऐसे 7-Eleven से लेके आए. वैसे ये दिस इज नॉट चीप. दिस इज नॉट चीप. दिस इज नॉट चीप. आई एम सॉरी, आई टेक बैक माय वर्ड्स. सो लेट्स जस्ट क्विकली शो यू सम प्राइसेस. तो ये है फेरो रोशे का पैकेट जो कि इंडिया में भी मिलता है और ये यहाँ पे पड़ेगा आपको 49 हांगकॉन्ग डॉलर का, जो कि इंडिया में कितने का है 490 का पड़ेगा ना. तो इंडिया में तो महंगा है. आई थिंक इट्स 699 इंडिया में. यहाँ से ले जाना. 699 आई थिंक सो.
और बेसिक यहाँ पे जो चिकन सैंडविचेस होते हैं उसका रेट तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, $16 में यू विल गेट अ नाइस सैंडविच। हमने ये भी ट्राई किया था, दिस इज़ व्हाट वाज दिस चिकन स्टेक इन मशरूम सॉस विद राइस, ये बहुत सही था, बहुत ज़्यादा फिलिंग था। एंड इसका हमने पे किया था अराउंड $25। क्या चीज़? आई थिंक ये वाला था नहीं, आपने जो राइस लिया था ना कोकोनट चिकन करी राइस, दिस वॉज $32। जूस के प्राइस आप देख सकते हैं, और ये 7-Eleven है तो 7-Eleven में सपोज टू बी चीप, सो ये जो प्राइसेस हैं तो सबसे सस्ते प्राइसेस ये हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ये खाएगा हमने, हाँ ये मेरे को बहुत सही लगता है, वी कैन टेक वन एंड कीप इन द बैग। बाकी जो इंस्टेंट नूडल के शौकीन होते हैं लोग वो भी यहाँ पे आके देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं इंस्टेंट नूडल्स में भी, बट आई फील कि यहाँ पे उतने ऑप्शन नहीं है जितना ओवरऑल हमें थाईलैंड में देखने के लिए मिलता है ना, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। एनीवेज कॉफ़ी के प्राइसेस भी मैं आपको बताता हूँ, पानी की बॉटल जो है वो $13 से लेके $15 है, 1.5 लीटर की बॉटल है। पानी ले लेते हैं, पानी भी चाहिए हमें, निकाल लेते हैं। तो बॉस की कॉफ़ी जो हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, दिस इज $10, और ऊपर है नेस्कैफे की अमेरिकानो, नेस्कैफे अमेरिकानो ले सकता हूँ। तो ये सब जी हमने ले लिया है, और मैं आपको कोक का भी प्राइस बताता हूँ, ये देखो $8 का है कोक जीरो, यहाँ पे आपके सारे 80 रुपए की है, यहाँ कोई कोक तो नहीं पीता होगा, यहाँ पे सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स के प्राइसेस हैं आप देख सकते हो अपने हिसाब से। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आप जो भी आप यहाँ से सामान लेते हो ना नूडल्स वगैरह, सो यू हैव ऑल दी ऑप्शन टू हीट इट अप, या फिर गर्म पानी आपको लेना है वो सब मिलेगा, पे आपको वहाँ करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के साथ दे देंगे बॉक्स, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना ला के गर्म कर सकते हो। कॉफ़ी का भी सेम है, आप वहाँ से बिल कराओ, दे विल गिव यू अ ग्लास एंड यू कैन टेक अ मेक अ कॉफ़ी फॉर योरसेल्फ, इट्स ऑल्सो वेरी इजी। थैंक यू जी। ये सारे आइटम जो हमने लिए इसका हमने पे किया है $43। मैंने ये चीज़ नोटिस करा है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट और किसी भी कैफ़े में आप जाओगे ना तो यू विल नॉट फाइंड एनी वॉशरूम इनसाइड, टॉयलेट होता ही नहीं है, बहुत रेयरली कोई बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट होगा तो उसके अंदर होगा, अदरवाइज आप जितने सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे, हम भी गए, मैकडोनल्ड्स हो जाए, स्टारबक्स हो जाए, मोस्टली वो किसी मॉल में ही है, और अगर वो इंडिपेंडेंट स्टोर्स हैं तो इतने छोटे छोटे एरियाज़ में बने हुए हैं कि वहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं टॉयलेट का ऑप्शन, तो ये बहुत ही वियर्ड चीज़ हमने नोटिस करी है, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। ये तो जी हम चढ़ गए हैं ट्रैम के अंदर, वी आर फाइनली इनसाइड द ट्रैम, पूरा ये बहुत ही पुरानी ट्रैम्स हैं और ये सारे ओपन विंडोज़ हैं, तो आप देखो ट्रैम के अंदर लिटरली आप हाथ बाहर निकाल के रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जी हम आ गए हैं ट्रैम में, हमें सामने से ट्रैम आती हुई दिखी, हम अभी तक बैठे नहीं थे ट्रैम में, हम फटाफट कूद करके चढ़ गए, एंड वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, वी जस्ट हॉप्ड ऑन, एंड अब यहाँ से थोड़ा सा एक दो स्टेशन जाएंगे, ट्रैम के मज़े लेंगे, एंड ट्रैम को भी आप ट्रैम की भी टिकट आप पे कर सकते हो अपने ऑक्टोपस कार्ड से ही, और ट्रैम का जो कॉस्ट है वो पड़ता है अराउंड $3, एंड डजेंट मैटर आप कितना लंबा जर्नी ले रहे हो, वेन यू हॉप ऑफ यू वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्रंट में आपका मशीन लगी हुई है, वहाँ पे आप अपना कार्ड टैप करो एंड देन यू गेट ऑफ। तो यार हमें पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, आपको पक्का ट्राई करना चाहिए, एक से दो स्टेशन का एक राइड ले लो आप ट्रैम में, और आई थिंक यू विल नॉट रिग्रेट इट, एंड सुपर चीप फॉर द प्राइस। अब हम लोग जहाँ पे उतरे हैं ना, दिस लुक्स लाइक अ रेजिडेंशियल एरिया इन हॉन्गकॉन्ग, यहाँ पे पीछे बहुत बड़ा सा एक पार्क है एंड छोटा सा मार्केट एरिया है, सो वी जस्ट टेकिंग अ वॉक एंड कोई कैफ़े नज़र आता है तो विल गो एंड ईट, सो अब बस ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, अभी कोई कैफ़े मिलेगा तो विल प्रॉब्ली ईट समथिंग, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जनरली भी कॉस्ट यहाँ पे किस हिसाब से है, सिटी मतलब जो एक मेन सेंटर है ऐसे कॉजवे वे, उससे अगर आप हट के आते हो कहीं बाहर तो क्या प्राइसेस हैं, कैन ईट समथिंग अराउंड 9 बड़े सब कुछ यहाँ पे ना, बेसिकली हम ऐसे वॉक करते करते एक स्टोर मिला है, यहाँ पे एवरीथिंग इज इन चाइनीज, मानो यहाँ पे है मेन्यू में इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में है, वी कैन ट्राई है ना, हाँ वी कैन ट्राई, सब कुछ चाइनीज में है, कैंटोनीज चाइनीज, थैंक यू।
ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश मेन्यू भी है। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स आज क्लोज्ड हैं बिकॉज आज है चाइनीज़ न्यू ईयर। घर में बाहर के भी आप देखो स्ट्रीट सब कुछ बंद है और ये यहाँ पे ज़्यादा लोकल लोग ही आ रखे हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ के प्राइसेस भी ओके है, आई थिंक मार्क्स नूडल के बराबर ही हैं। तो लिखे ही नहीं है प्राइस हटा रखे हैं। अच्छा जी, बट यहाँ पे बोर्ड पे ऊपर लिखा है ना, मैं उससे जज कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैंने पूरे हांगकांग में नोटिस करी है वो ये है कि यहाँ पे पीपल लिटरली स्पीक रियली गुड इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। सो हम अभी इतने पुराने से रेस्टोरेंट में आए हैं विच लुक्स वेरी ओल्ड, वेरी ऑथेंटिक। यहाँ पे जो ओनर थे ही इज़ ऑल्सो कुक, सो वो आया एंड ही टुक आवर ऑर्डर इन लाइक रियली गुड इंग्लिश, जो हमें तो ऐसा लगता है ना, बिकॉज जनरली एक परसेप्शन होता है कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यार मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लिश हर जगह नहीं बोलते। जैसे थाईलैंड में इट्स नॉट दैट कॉमन, और आप कहीं पे भी जाओ, कजाकिस्तान भी हम गए थे वहाँ पे भी ऐसा नहीं था। बाकी यूरोप में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे इंग्लिश उनका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो वहाँ पे डेफिनेटली विल फील सम चैलेंज, बट यहाँ पे ऑनेस्टली अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है। आज कुछ नहीं कर रहे मानो आप, क्यों भाई? अभी नहीं, अपने बैग में रख रखा है ना सैंडविच को, माल लेके चली हूँ मैं। सो यहाँ पे यार आप लगा लो कि आप किसी ऐसे डिसेंट से एवरेज रेस्टोरेंट में भी आकर खाना खाओगे तो आपको ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं तो आपको लगभग 50 से 70 हांगकांग डॉलर पे करना पड़ेगा। तो जी ये आ गया है चिकन करी एंड राइस जो हमने मंगाया था, काफ़ी ज़्यादा फिलिंग लग रहा है। खैर हमने नूडल्स मंगाए थे बट उनके पास नूडल्स थे नहीं, तो स्टीम राइस देखे गए। तो जी ये वाली वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। इस रेस्टोरेंट में हमने पे किया अराउंड 64 हांगकांग डॉलर विच इज़ आई थिंक प्रीटी एक्सपेंसिव। बाकी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाने जो इससे बेटर होगा, हमें थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप रेस्टोरेंट में जाना था, तो आप उस हिसाब से अपना रेट देख सकते हो कि वो कितना होगा, एस्टिमेट लगा लेना। बाकी इससे आपको ये पता चलता है कि हांगकांग में चाहे आप छोटे रेस्टोरेंट में जाओ चाहे बड़े में, आपको रेट सेम ही मिलेंगे, इससे कम का नहीं मिलेगा आपको, विच इज़ आई थिंक फाइन फॉर हांगकांग। सो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब हम जा रहे हैं अपनी आज की आइटनरी को पूरा करने के लिए जो कि हमारे प्लान का पार्ट था। सो वी आर गोइंग टू डिज्नीलैंड। अगर आपको डिज्नीलैंड के बारे में देखना है देन यू हैव टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू वेरी 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 सून। बाय बाय।